अगर आप बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किए थे तो आज की इस वीडियो में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार राशन कार्ड को जो ऑनलाइन अप्लाई लिया गया था उन सभी का सत्यापन को शुरू कर दिया गया है। अगर आप बिहार राशन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रक्रिया नहीं जानते हैं देख लीजिएगा, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा और लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे आपकी सुविधा के लिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आपका जो आवेदन है वो सत्यापन शुरू कर दिया गया है, तो आप कैसे चेक कर पाएंगे आपका आवेदन सत्यापन हुआ कि नहीं हुआ? उसके लिए आपको ईपीडीएस की वेबसाइट पर आना, उसके बाद अप्लाई फॉर ऑनलाइन आरसी क्लिक करके लॉग इन कर लेना। अपनी लॉग इन आईडी और पासवर्ड कैप्चर डाल के लॉग इन करेंगे। लॉग इन हो जाने को कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा और इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लॉग आउट किसी कारण से लॉग आउट हो गया तो फिर से लॉग इन करने के बाद यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे और देख सकते हैं इसका एप्लीकेशन जो सबमिटेड है, ठीक है, ये जो मेंबर इसका हाल फिलहाल में ही अप्लाई किया गया, इसका जो भी सत्यापन नहीं हुआ है। और एक हम दूसरी दिखाते हैं जिसका सत्यापन कर लिया गया, जो पहले ही आवेदन किया गया था। ये मेंबर का राशन कार्ड अप्लाई का प्रक्रिया बहुत जल्द यानी कि हाल फिलहाल में हुआ है तो इसका अभी सबमिटेड दिखा रहा है। और कुछ ऐसे मेंबर है, मतलब क्लाइंट है, कस्टमर है, जिसका बहुत पहले ही अप्लाई किया गया था तो उसका सत्यापन शुरू कर दिया गया है। तो फिलहाल हमारे पास उसका आईडी पासवर्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है, हम उस स्क्रीनशॉट की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हमारे पास स्क्रीनशॉट है, इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। जैसे आप टैग एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे आपको दिखा देगा आपका जो सत्यापन हुआ या नहीं हुआ। जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं एप्लीकेशन एक्सेप्टेड बाय एचडीओ, इनका जो एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लिया गया एचडीओ के से, यानी कि ऑनलाइन जब अप्लाई करते वो जाता है एचडीओ के पास, तो एचडीओ आपका जो अप्लाई किया गया आवेदन उसको जाँच करता है, अगर वो सही पाया जाता है फिर एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद जो आपका राशन कार्ड वो जेनरेट किया जाता है। तो इस मेंबर का जो इस मतलब इस कस्टमर का जो राशन कार्ड वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब जेनरेट की प्रक्रिया में चली गई है। तो आप भी का भी इस तरह अपना चेक कर पाएंगे, देखिए स्टेटस पे जाएंगे तो इस तरह का दिखा रहा था एचडीओ मतलब एक्सेप्ट हो गया है, तो मतलब आपका राशन कार्ड अब बन जाएगा क्योंकि अब एक्सेप्ट कर लिया गया, अब राशन कार्ड जनरेट होने की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप भी अपना अकाउंट लॉगिन कीजिएगा, अप्लाई पे जाकर ट्रैक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा और देख के बताइए आप में क्या आ रहा है। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका स्टेटस क्या दिखा रहा है। इनका जो स्टेटस जो एचडीओ लेवल से वो एक्सेप्ट कर लिया गया, इनका बहुत जल्द जो है अब राशन कार्ड मतलब कि एक्सेप्ट हो गया तो अब जनरेट हो जाएगा। जनरेट होने के बाद क्या प्रक्रिया हुआ वही हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे।